हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स टू द होल पावर 4 वेयर आयोटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। यहां पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डी मेवर थ्योरम देख लेते हैं। अगर हमें गिवन हो कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स टू द होल पावर एन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स। तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होकर के आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स, जबकि ये थ्योरम कब लगती है, जब हमें दे रखा हो कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कैसे हो सकता है, देखिए साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, और इसी तरह यहां पर लिख लेंगे आई कॉस को लिख लेंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और टू दी होल पार 4। अब यहां पर जब हम ये थ्योरम अप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस 4 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस आई साइन 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। अब देखिए 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस 4 इंटू पाई बाई टू, 4 इंटू पाई बाई टू कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 4 एक्स प्लस यहां पे कितना हो जाएगा आई साइन 2 पाई माइनस 4 एक्स। तो देखिए इसका रियल पार्ट हमें क्या मिल रहा है, कॉस 2 पाई माइनस 4 एक्स, और कॉस 2 पाई माइनस 4 एक्स कितना हो जाएगा कॉस 4 एक्स। तो अल्टीमेटली हमें इसका रियल पार्ट कितना मिल जाएगा, कॉस 4 एक्स, जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।